वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? ठीक है आप सब? सबसे पहले तो आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक जी। तो ईद के दिन तो हम लोगों ने कैसे गुजारे जी? कसाई बन के ही गुजारे है, घर में गुजारे है, गोश्त करने में, बांटने में, उस सारे में हमने जो है ना ईद के दिन गुजार दिए। और वैसे भी ईद के दिनों में तो रश काफी होता है बाहर कहीं पे घूमने फिरने की, तो कोई जगह नहीं होती। आज फिर हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, ऑफिस से हमने 2 दिन की छुट्टी कर ली है, तो बंदों के फोन आ रहे हैं लेकिन हम उन्हें बता रहे हैं जी कि हम लोग तो नहीं है, यहाँ पे घूमने आए हुए हैं, परसों इंशाल्लाह हम ऑफिस होंगे। तो अभी हम लोगों का प्रोग्राम बना है जी, फिलहाल आजाद कश्मीर पीर चिनासी जाने का प्रोग्राम तो बन गया, लेकिन अब देखते हैं ये कि ये तखमील तक भी पहुंचता है या नहीं पहुंचता। तो फिलहाल तो हम लोग जो है ना इस्लामाबाद से गुजर रहे हैं, लेक व्यू पार्क के पास से हम लोग गुजर रहे हैं। तो अभी हमारे पास इस गाड़ी में जो है ना है यासर भाई बताली साहब, पीछे वो ये शबान भैया आ गए, उस्मान आ गया, और वो हमारे कद्दू शरीफ और समीर जलाल साहब, इन्हें हमने इस्लामाबाद से ही उठाया जी, जबरदस्ती इनको छुट्टी करवाई है ऑफिस से, ये ऑफिस से, ऑफिस से हमने इनको छुट्टी करवाई है। तो ये लो जी, आगे पुलिस खड़ी हुई है तो इसलिए ये मैंने पकड़ लिया जी। तो हमने समीर को अभी जबरदस्ती उठाया गया, इसकी हमने छुट्टी करवा ली है दफ्तर से, कहता है कल मैंने शिफ्ट पे जाना, मैं कहा कल भी तुम नहीं पहुंच सकोगे। दूसरी गाड़ी पीछे आ रही है जी, शमस भाई की, उसमें शमस भाई हैं, जिशान भाई हैं, फैसल भाई हैं और असदी जलाल रैपर, सॉरी रैपर रैपर, गलती माफ। तो ये सब है जी उसमें भी। तो हम लोग 9 लोग जा रहे हैं, अब देखे हम लोग जाते हैं किधर। हमारा प्रोग्राम बना था जी मुजफ्फराबाद पीर चिनासी का, अब देखे हम उधर पहुंचते हैं या किधर रुक जाते हैं कुछ सोच के। हाँ जी, बाकी अब आपको रास्ते में मिलते हैं हम। जी तो दोस्तों अभी हम लोग रुके हैं इधर खाना खाने के लिए, पहले होटल पे गाड़ी रोकी थी लेकिन वो लोग गाड़ी आगे ले गए थे, अब उधर से पैदल चल के हम लोग आ रहे हैं। तो ये होटल पहले ने पसंद नहीं था आया, आगे टक शॉप पे रोक ली थी। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, वो ब्रेक नहीं लग रही हमारी, इनकी ब्रेक फेल हो गई थी मेरे ख्याल में, पीछे जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ी रिफ्रेशमेंट वगैरह करेंगे, रिफ्रेशमेंट करके तो फिर हम लोग निकलेंगे आगे के लिए नॉन स्टॉप इंशाल्लाह, फिर मुजफ्फराबाद जाके ब्रेक लगेगी हमारी, क्या है हम लोग जेलम से निकले हैं, जेलम में बारिश शुरू हो गई है तो यहाँ पे तो धूप निकली हुई है अभी, वैसे सोच रहे हैं कि एक दफ़ा हम लोग वापस ही चले जाएँ, बारिश तो उधर भी हो गया, ठंडक हो गई वहाँ पर। मरियम चौधरी है, ये मुझे मैसेज कर रहा था कि मैं आपकी जान हूँ, अपने पास बाइक नहीं है तो मुझे ये सिविक गाड़ी और 2 लाख रुपया भेजने लगी थी। ये मरियम आप देख लो अभी शर्मा रही है, टोपी उतारो ना इसकी, टोपी उतारे मरियम अपनी, अभी आप यहाँ पे हम लोग देखते हैं जी कुछ खाने पीने के लिए, तो फिर आगे का सफर हम निकालेंगे कुछ। चमन भाई नमाज पढ़ने बैठे हुए हैं, उनकी नमाज लेट हो रही थी, तो ये तो साथ साथ ही है ना जी, अल्लाह ताला का नाम। ऑर्डर हो गया खाने का? पंजाब में ही है। शानी भाई किधर चला गया? कपड़े पहने शानवी ने कोनी क्या बात है,
सुभान तेरी कुदरत। खाना खा लिया, चाय वगैरह पी ली है अब सब ने, और बस अब आगे निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। कोई ये शेरा साहब किसी से कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मिल जाए हमें कोई चाय का सामान हमें मिल जाए ताकि हम उधर से चाय खुद बना के पी सकें। हाँ अब ये चाय अच्छी है लेकिन हर जगह से अच्छी चाय नहीं मिलती। अभी भी 80 रुपये का कप है, एक 800 रुपये की चाय पड़ गई सिर्फ हमें। तो अभी हमारा खाना पीना हो गया, चाय भी पी ली, तो अब इंशाल्लाह हम निकलेंगे अहमदाबाद के लिए, फिर शनासी के लिए। तो इंशाल्लाह बस अब हम निकल रहे हैं, तो अब तो कोशिश होगी कि हम लोग नॉन स्टॉप हैदराबाद ही जाकर रुकें सिर्फ, बाकी इंशाल्लाह आपको अपडेट देते हैं मज़ीद। जो है चाह का नशा ही नहीं पा पूरा होता, ऐसा चाह का नशा ही नहीं पा पूरा होता इतने। चलो जी आ जाओ, और सारे इधर उधर हो गए। चलो जी हाँ जी, मजिस्ट्रेट साहब, ये शमस भाई हमारे सबसे बड़े भाई, इलाका मजिस्ट्रेट साहब, तहसील और ज़िला जेलम। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो देखते हैं गाड़ियाँ तो वो दूर खड़ी हैं, वहाँ तक हमें पैदल अब जाना पड़ेगा। गाड़ी मेरी नजर आ रही होगी शायद, और नहीं आ रही, और मेरी गाड़ी कितने की है, वो गाड़ी चोरी हो गई है, और नहीं वो नजर आ गई थोड़ी सी, वो मेहरान के पीछे नजर आ गई है। फोटो सेशन चल रहा जी इधर, हाँ 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 वो देखो जी चेस ले रहे हैं बंदे। एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय। चलो जी यार नहीं सॉरी, अच्छा मरी चाय का इंतजाम करवाओ, चाय की चीजों का फिर वो ले लेना। चलो भी अभी आगे निकले, अब हम लोग आगे निकलेंगे, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं अब नॉनस्टॉप निकलने की। मरी थोड़ी देर ब्रेक लगाएंगे अभी हम लोग, तो उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। नहीं वो रास्ते में गैप है एक, वो ज्यादा है, बाकी तो मैं चला ही जाऊंगा। इस पे वैसे चढ़ाई का भी नहीं पता चलता, चलो 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 ये दो बछिंदे नीचे नीचे आ रहे हैं, पागल हो गया जी हमारे बल्ले, इनका दिमाग थोड़ा सा हिल गया अपनी जगह से, अभी ये सारे पागल हो गए थोड़े थोड़े करके। दूर तुझे से करे बता, चलो जी यो अब हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे उधर से यार, पानी की या सरदा की बोतल निकाल के ले आओ ना जी। मेरे वैसल भाई और से वो कोई बोतल निकाल लो ना, सेवन अप देखो अगर ठंडी है तो वो ले आओ। नाइस
बटन प्रेस करके रखिएगा वीडियो बनाइए। चोरियां कर रहा है ये बंदा इधर। सारी गलती है शानी भाई की। आई नो दैट। हां सारी गलती शबान शानी भाई। शबान ये मेरा फुल ले ना। फुल ये देख ऐसे ये मेरे फुल पैसे यासर मेरी क्लासेस तो दे रहा है। अब आप सब लोगों ने कमेंट से बताना जी कैसी ड्रेसिंग है। ये गर्मी जब ज़्यादा पड़ रही थी उन दिनों में मैंने ली है, तो अभी आप लोगों ने कमेंट से बताना है ड्रेसिंग ये कैसी है। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले ही चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट शेयर भी करें। बाकी आपको हम इससे मज़ीद जो है ना आगे बताएँगे। वो इसके दादा वो किस बिने और हमारे नाना वो किस बिने है। मैं तो मरी में दादा वो कह रहे तुम्हारे नाम प्लाट टूट रहा था लेकिन इधर तो पूरी जमीने निकल आई है हमारे नाना वो की। मेरी अम्मी का हिस्सा भी होगा। वो पहाड़ के ऊपर तो नहीं है वो कौन से वाला तो नानी माने तो मेरे से वादा किया हुआ था। नानी वाले बोला था रोड के पास पास वाली स्पीड आ रही है वो बहुत ऊंचाई है यार। मैं जिधर खड़ा हूँ देखी ना वो ही वो यार ला है वो डर ही लगती थी। ये क्या हो गया क्या हो गया उस्मान को प्यार हो गया उस्मान से प्यार हो गया। वो साथ में हमारे नाना बो की जमीने हैं। तो जी अब ये हमारी तस्वीरें निकल रही है मरी में। मैं तो कोई एक प्लाट लेके तो उसको कंस्ट्रक्ट करने का सोच रहा था लेकिन जमीनें निकल आई हैं। अब देखते हैं रिकॉर्ड चेक करते हैं अपने जो है ना आबाई ज़मीनों का सारा उसमें देखते हैं हमारी कितनी ज़मीनें निकलती हैं। और वो देखो जी इनकी गाड़ी को क्या हो गया 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 नमाज पढ़े ना ये हमारी गाड़ी को पेशाब आया हुआ था। ओहो गाड़ी को बिशी बिशी हो गया हां वहां पर इतने बिस्किट आते चेक हो जाएगा। वो ये क्या कर रही है पिंपी भी ये ऊपर फ्लोर है थोड़ा गैस हो गई हम लेट थे असर ही नहीं होया हम लेट हमने खाया है। ए भाई किधर चले हैं जी मेरी गाड़ी में जनमाज पड़ी है छली पता करो ना समीर साहब कदू कदू शरीफ जाओ छलियाँ बन रही जी। ठंडा मौसम ठंड तो बड़ी है हम इस दफा कोई गर्म कपड़े कुछ भी नहीं लेके आए कोई जैकेट कोई गर्म चादर शादर कुछ भी नहीं लेके आए। इधर ये सारे रेस्टोरेंट है सेकंड कप इधर अब कॉफ़ी पियेंगे शायद हम उसके बाद फिर आगे चलेंगे क्यों शेरा साहब बिल्कुल आप पिला रहे हैं इंशाल्लाह चलो डन हो गया। ये गाना लगा हुआ और हमारे एक भाई की जवानी याद आने लग पड़ी है हमें। ये भाई बहुत गाना ये सुनते थे बड़ा फेवरेट गाना था इसका ये जी ये जवानी लग पड़ता था इस गाने में याद ताजा होते हुए। अच्छा जी जज्बाते ये गाना यासर लगाता था ना अगर वो लोग आज हमारा मिलाद देख रहे हैं ना तो वो देख ले यासर आज मेरे लिए दुखी हो रहे थी ये तो कैसे एकदम
बहुत परेशान होते हैं यासर, आप हमारा मिलाप देख रहे हैं तो आप देखे यासर के लिए मैसेज छोड़े हमारे मिलाप में। कोई मैं कहता हूँ कि ये लाजमी देखे उस वक्त 15-20 बंदे थे जिनके लिए घर था वो लाजमी। उन सब के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी से कितने बड़े सब्सक्राइबर हो चाहिए यासर को ये गाना देख। आप यासर जलाल तकरीबन हर वीडियो में देखने को मिला करेगा इंशाल्लाह। खास तौर पर ये वाला बोल दिल की यही ख्वाहिश है, दिल की यही ख्वाहिश है। विक्टोरिया पुल अभी हम लोग आए हैं जी इधर दरबार थी एक हज़रत साईं सखी सेली सरकार की दरबार है। ये हम उस दरबार पे हमारी हाजिरी हुई है, हमें तो पता नहीं था लेकिन इत्तेफाकन जो है ना इधर वो हम लोग होटल वगैरह सर्च कर रहे थे अपने लिए कोई, तो फिर ये दरबार हमें मिल गई। हमने बोला जी चलो आए हुए हैं तो दरबार को भी देख लें कैसी है, तो दुआ मगफरत कर लें तो फातेहानी कह लें यहाँ पे भी। तो अब हमने यहाँ पे फातेहानी की, अब हम लोग फिर निकलेंगे वापस, देखेंगे होटल को सर्च करेंगे। इधर का सबसे टॉप का होटल था जो वो नीलम वैली होटल था, तो नीलम वैली होटल जो हम लोग गए हैं तो वो जी अभी तो फुल हो गया था, हाउसफुल था, वहाँ पे जगह नहीं थी। अब हम लोग देखेंगे कि यहीं और कोई होटल देखेंगे, कोई अच्छा होटल मिलेगा तो वहाँ पे हम स्टे करेंगे जिधर कोई अच्छा व्यू भी हमें नज़र आए सुबह उठते साथ। तो वो चाँद देखेंगे अपनी आबो ताब पे चल रहा है, तो ये आपको बताते हैं जी हम दरबार का। ये बजमस और शानवी पहले देख रहे हैं, ये आप लोग भी इसको देखें, हम भी इसे चेक करेंगे बाद में कि क्या लिखा उन्होंने। अब हम लोग निकलेंगे जी यहाँ से तो देखेंगे कोई होटल अच्छा सा जहाँ पे रात गुजारें, क्योंकि अभी टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो बस अब लोग जो है ना यहाँ से जाएंगे होटल सर्च करेंगे, तो फिर सुबह जो है ना हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह पीर चिनासी के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग में। तो बाकी फिर आपको हम होटल पहुँचते हैं, देखते हैं होटल कैसा मिलता है हमें, तो फिर आपको जो है ना मज़ीद बताएंगे इसके बारे में हम। इन्हों का गुम गया कुछ मोबाइल आज अपने अपने पता नहीं क्या पे लभ दे सरकार में होटल मिल गया जी। तब ये एंट्री हो रही है, हम लोग कोई मेरे ख्याल में 10:30 एंटर हुए थे इधर मुजफ्फराबाद में। इधर रोला इन्होंने अपने डाला हुआ है, ये इन्होंने मुख्तलिफ टाइम लगाए हुए हैं लेकिन घड़ियाँ रुकी हुई हैं, टाइम का नहीं पता कि किधर क्या क्या टाइम हो रहा है। ये हमारा टाइम ये चल रहा है जी 10:30 और 12:15। हाँ जी हाँ कपड़े चेंज करने, अच्छा चेंज
माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलो यार रोटी का क्या करना है, खाने का भुखा लगी ने, ऊपर क्या करना है। ओरिजिनल चीज मंगवा के दसो, दो नंबर में मंगवा के दे देना। मोबाइल नंबर बोलें सर। ये एंट्री हो रही है 0 3 5 8 5 8 3 4 3 4 3 4 4 बस जी। गाड़ी में ऑफिस ऑफिस पड़ा हुआ बजमत, वो वॉशरूम में ना, वो वॉशरूम सब। चलो जी मुबारक हो, जी मुबारक हो, होटल हो गया और अल्लाह खैर करे। ये सीढ़ियाँ चढ़ के हमने ऊपर जाना जी, तो हमें कोई चौथे फ्लोर पे, चौथे फ्लोर पे हमें मिला जी। हाँ लो जी, वो पता नहीं किधर जाना है, जाएंगे तो फिर पता चलेगा। अब एक मिनट हमारे व्यूअर्स को बताएं कि हमारे एक भाई के साथ ट्रेजी भी हो गया मुजफ्फराबाद आने के लिए। इधर आए असद भाई, इधर आए असदी रैपर साहेब, आप इधर आए। ये हमारे असद उर्फ असदी रैपर हैं, ये भाई हैं हमारे, तो इनकी जो आज इंगेजमेंट भी टूट गई है मुजफ्फराबाद आने के चक्कर में। वजह से ओहो यार ऐसा थोड़ी होता है। अब वो क्या सोचेगी कि मेरे साथ प्यार मोहब्बत के वादे करता रहे और खुद भाग गया। चलो मंगना, अभी मंगनी होनी थी, सिर्फ अभी मंगनी होनी थी। अच्छा जी, भूखा फुल मूड है, फुल भुखा भुखे पे हैं, तो अभी अब पता नहीं, इधर तो सारा कुछ बंद हुआ पड़ा है, कुछ भी नहीं खुला। अभी देखते हैं आगे कोई होटल, अब कोई देखेंगे, अब कोई होटल अगर मिल गया तो पता नहीं। वो सामने एक सब हमें नजर आया लेकिन वो भी बंद है, ये पता नहीं उन्होंने खाली बोर्ड लगाया है सिर्फ, तो उन्होंने भी बस वो नजर का धोखे में हमें रखा हुआ है। साथ इन भाई को बताएं, इन साहब को बताएं कि इन भाई को एंगेजमेंट का इतना दुख हुआ कि ये लाश गेस्ट हाउस है, तो एंगेजमेंट के सदमे में ये इसको लाश गेस्ट हाउस। तो जी यहाँ पे आगे दोमेल है, ये सुबह आपको दिखाएंगे। ये वो गाड़ी अंधेरा है, अभी नज़र नहीं आ रहा। ये जो गाड़ी शहजोर खड़ी है इसके पीछे दो मेल है, इस साइड से जो है, एक साइड से दरिया जेलम आके मिलता है और एक साइड से ये जो साइड है इधर से दरिया नीलम आ रहा है, और वो जो साइड है इस साइड से ये पुल है आगे, ये जिधर बाइक लेके जा रहे हैं ये पुल है, यहाँ से नीचे से दरिया जेलम आ रहा है और इस साइड से जो है ना वो आ रहा है दरिया नीलम, और ये दोनों इधर ऐसे जो है ना यहाँ पर मिल रहे हैं दोनों, दरिया जेलम और दरिया नीलम, दो मेल जगह का नाम है। सुबह इंशाल्लाह आपको इसका भी हम विज़िट करवाएंगे। तो आज तो अभी फुल भूख का वो मूड ऑन है, आप देखते हैं सुबह हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह टाइम से पीर चनासी वाली साइड पे। तो बाकी अब जो है ना देखते हैं, कुछ खाना वगैरह खाते हैं, फिर आपको जो है ना वो रूम चेक करवाएंगे जो हमें मिले मुजफ्फराबाद। चलो यार उठो ना भूख, आओ चेक करके आए कुछ खाने पीने का क्या सीन है। और जी अब हम इधर खाना खाने आए हैं, ये जी देख लें ये सारे बैठे हुए हैं, वहां सब ये फोन पकड़े खाना खा रहे जी, जो मिला वो रब का शुक्र अदा करके खा लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चटपट हो गया सब। राजू भाई की पसंदीदा चीज नहीं मिल सकी है जिस टाइम, चटपट वो बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे दही लहसुन में वो दही रायता नहीं मिला, चटनी भी नहीं मिली ना रायता मिला। तो आए हाय शनि भाई क्या कर रहे,
भाई बस कर दे हड्डियां निकल आई आप देख लो क्या बोला कर दिया पूछ लो ना कोड़ा तो नहीं चलो जी अब चले अब देखे कोई चाय वाला होटल देखिए अब इनके पास तो वो दूध पैकेट वाला दूध है तो हमने चाय पीनी है जी खालिश दूध की अब इंशाल्लाह देखते हैं कोई चाय वाला अगर होटल मिलता है चाय पी के तो फिर हम लोग चलेंगे अपने होटल पे सोएंगे रेस्ट करेंगे और सुबह निकलेंगे हम लोग 7 बजे इंशाल्लाह 7 बजे पीर चनासी के लिए वीडियो बनाने दो बज चुके हैं रात के और हम लोग जो है ना मुजफ्फराबाद की रोडों पे खजल हो रहे हैं 3 बजे बारिश बताइए फॉरकास्ट में और ये अभी आपको दिखाते हैं जी बिजली ये बिजली चमक रही आपने देखा अभी हमें एक जो चाय का होटल मिला जी कोयटा चमन कैफे कोयटा दरबार नहीं है कोयटा चमन है यहाँ पे तो ये देखे जी और कोई बल्ला ला बल्ले की जात खाली मारी वहाँ आपको नज़र आएगी हर जगह पे मुजफ्फराबाद जैसे साढ़े प्यू ने खरीदे है आप तुम किधर गए थे इधर वो कमरे के ना थले हम भी देख रहे हैं क्या है ये 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 आने चाहिए ये तो वहां गया है उधर भी है कमरे दरियाफ्त कर ली है अब हमने ऊपर भी कुछ है शायद तो अब ऊपर जा रहे हैं देखते हैं ओ हो ये कितने से ज्यादा है चलो चल कद चल क्या ऊपर ये इधर पीछे दरिया इसके बिल्कुल पीछे वो देखे जी तारों के शहर बिजली चमक रही है यहाँ पे ये सुनो ऊपर जगह है नीचे सही लगता है आ जाए ऊपर है ना जगह नया सीन ही शुरू हो चुका है जी बारिश 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 अब ये उधर जाते जाते तो शूज गीले हो जाए अगर ये गीले हो गए तो बड़ा मसला बनेगा होटल कितनी दूर है वैसे थोड़ा सही दूर है दूर है अब देखे जी बारिश शुरू हो गई है
तो गाड़ी हम होटल पे खड़ी करके आए थे, शमस बजे शन पे चले गए। अब हम लोगों ने जाना है, लेकिन बारिश शुरू हो गई काफ़ी तेज़, तो अल्लाह खैर करे। होटल अब देखते हैं, पूछते हैं कि कुछ पहुँचे या ना पहुँचे। क्या चीज़ गिर रही है, बारिश में निकल आई है। बारिश के बाद ऐसी चीज़ें निकल आती हैं, वैसे बारिश के बाद ऐसी चीज़ें निकल आती हैं। ठीक है, निकले जी कोयटा होटल से, तो बारिश बड़ी तेज थी, बारिश ऐसी लगी हुई थी कि जी हम लोग बारिश में गुजर रहे थे, लेकिन गीले नहीं हुए, थोड़े बहुत गीले हुए हैं, शूज गीले हो गए थे और शर्ट गीली हो गई थी, तो वो अब चेंज किया है। होटल में जा रहे हैं, गाड़ी में कपड़े चेंज किया, होटल जा रहे हैं, तो गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे अब पहले, क्योंकि इन्होंने ऊपर खड़ी कर दी थी, अब पार्किंग में लगाएंगे गाड़ी, और फिर हम लोग अभी तो चलेंगे, कपड़े रखने आए थे हम गाड़ी में। हाँ, तो अब हम जो है ना, टाइम भी काफी हो गया, तकरीबन 2:30 से ऊपर हो गया टाइम, अब सोएंगे और सुबह फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग जो है ना सुबह 7 बजे इंशाल्लाह जाना है हमने पीर चनासी जाएंगे। तो अभी हम सोएंगे, तो फिर आपसे सुबह मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो बस अब गाड़ी खड़ी करेंगे, तो गुड नाइट जी आप सबको, और सोने से पहले आप सबको बोलेंगे एक दफ़ा हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आती है, जब हमारा दिल करता है जो हम बना लेते हैं, तो वो आपको पहले पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह सुबह पीर चनासी जाते हुए रास्ते में, आपको अच्छे जो है ना वो दिखाएंगे, मनाजर व्यूज दिखाएंगे। सबसे पहले उठ के हम दिखाएंगे दो मेल दिखाएंगे, क्योंकि अभी अंधेरा है, अभी अंधेरे में तो उस तरह दिखा नहीं सके, सुबह इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे दो मेल, और फिर निकलेंगे पीर चनासी, नाश्ता रास्ते में करेंगे, और आपको दिखाएंगे आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, पीर चनासी इंशाल्लाह। गुड नाइट गुड नाइट। चलो जी।